एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कि बक कन्वर्टर, बेसिकली जो भी आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर है उसको चॉपर बोला जाता है। ओके वी कैन से दैट द डीसी टू डीसी कन्वर्टर इज ऑल्सो नोन एज चॉपर। ओके ये है आपका बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर में होता क्या है कि उसको आप क्या बोल सकते हो कि मेनली बक कन्वर्टर को स्टेप डाउन वोल्टेज बोल सकते हो। ओके क्या बोल सकते हो यहाँ पे उसको, स्टेप डाउन वोल्टेज। ओके उसको स्टेप डाउन वोल्टेज क्यों बोला जाता है वो समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो भी आपका इनपुट होता है वो मान लो कि 100 वोल्टेज है। ओके और यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट मिलेगा ना, ओके वो ऑलवेज आपका क्या मिलेगा, 100 वोल्टेज से आपका कम ही मिलेगा। लाइक 90 है, 40 है, ओके 50 है। ओके तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज बोले, 40, 50, 60 ऐसा कुछ। ओके तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे जो भी आपका ये स्विचिंग डिवाइस है, ओके ये तो आपका मेनली आपका कोई एक ये स्विचिंग डिवाइस आपने लगा दिया, ओके उसकी जगह आप IGBT MOSFET या SCR भी यूज कर सकते हो, ओके डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपका एक डायोड है, ओके ये आपका इंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर है। ओके अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपके ऑपरेशन में क्या है कि एक बार जब आपका स्विच क्लोज होता है, ओके और एक बार जो आपका स्विच ओपन होता है, दोनों में अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे रेड कलर की कोड में के अंदर जो भी आपको ये सर्किट दिख रही है वो ऑन कंडीशन में, ओके और स्टेप टू के अंदर भी आपका ये जो भी आपका रेड कलर से ड्रॉ किया गया है, ओके वो आपका ऑन कंडीशन में। तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी आपका स्विच है, ओके जब वो ऑन होगा, ओके तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जब स्विच ओपन होगा तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, मेनली ऑन हो जाएगा। ओके ये क्या है, आप बोल सकते हो कि ये एक दूसरे से इनवर्सली ऑन हो रहा है कि एक ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा, दूसरा ऑन होगा पहला ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे आपका डीसी वोल्टेज का मेनली डीसी करंट यहाँ से फ्लो हुआ, ओके यहाँ तक पहुँचा। इंडक्टर में आपका एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। ओके यहाँ पे आपका पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव बनेगा, करंट आगे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका मेन कैपेसिटर भी आपका क्या होगा, वो चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव बनेगा। पोलैरिटी हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो लोड के अक्रॉस में यहाँ भी आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं कि वी ऑल नो दैट कि जो भी आपका करंट फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ पे फ्लो होता है, पॉजिटिव करंट टू नेगेटिव करंट। ओके सो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ओके और यहाँ पे आपका क्लोज लूप पाथ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि जो भी आपका स्टेट वन है, ओके उसके अंदर आपका ऑपरेशन जो भी हो रहा है उसके अंदर आपका क्या होगा कि ये जो भी आपका इंडक्टर है वो चार्ज होगा, ओके कैपेसिटर है वो आपका चार्ज होगा, ओके और जो भी आपका लोड होगा उसके अक्रॉस में इस पोलैरिटी में आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। अब बात आती है कि जब आपका मेन जो भी स्टेट टू होता है ना तो उसके अंदर ऑपरेशन होगा कैसे। तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो सडन करंट चेंज को फ्लो करता है, सॉरी सडन करंट चेंज को वो अपोज करता है। ध्यान से सुनना, इंडक्टर जो भी होगा वो आपका सडन करंट चेंज को अपोज करेगा। यानी कि जब आपका सर्किट के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस आता है, लाइक मान लो कि यहाँ पे आपका स्विच ओपन हमने कर दिया बाय यूजिंग कम्यूटेशन सर्किट और बाय यूजिंग एनी अदर मैकेनिज्म, जो भी होगा हमने स्विच को ओपन करवा दिया, तो उस कंडीशन में करंट कहाँ से फ्लो करना चाहिए, जो भी आपका इंडक्टर के अंदर से पहले करंट फ्लो हो रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा क्योंकि वो सडन करंट चेंज को अपोज करता है। सो
ये पहले क्या था, पहले सिंक था, सोर्स एंड सिंक का आपको थियोरी पता होना चाहिए। ओके, जो भी पहले था ये सोर्स था, ये सिंक था। सिंक यानी जो भी कंज्यूमिंग डिवाइस होते हैं वो। ओके, लेकिन अभी की कंडीशन में ये क्या बन गया, सोर्स बन गया ना। ओके, तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से मेनली क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी बनेगी, तो ही आपका करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ना। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा इनडायरेक्टली। अब कैपेसिटर की बात करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो सडन वोल्टेज चेंज को वो अपोज करता है। तो सडन वोल्टेज चेंज का अपोज होना यानी क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी है, ओके, तो डिस्चार्ज होने के टाइम इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, वही रहेगी। इसीलिए करंट कहाँ से फ्लो होगा, इस डिरेक्शन में से आपका फ्लो होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही करंट का डिरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों ही करंट का जो भी एडिंग होगा, उसके बाद वो करंट कहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ पे फ्लो होगा मेन करंट। ये करंट और ये करंट दोनों ऐड होके कहाँ पे आपके जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ओके, और ये लोड है तो इसके अक्रॉस में आपको V0 वोल्टेज मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव पोलैरिटी बनेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव पोलैरिटी बनेगा, यहाँ पे आपका डायोड के थ्रू आपका करंट फ्लो होगा। ओके, और यहाँ पे भी आपका जो भी मेन करंट है ओके, वो यहाँ पे आपका क्लोज कंडीशन में आ गया, एज वेल एज इंडक्टर को भी रिटर्न पाथ उसको मिल गया। तो सर्किट यहाँ पे आपकी, इतनी सर्किट आपकी क्या है, कंप्लीट है। ओके, तो फर्स्ट मोड के अंदर आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर चार्ज होगा, सेकेंड मोड के अंदर आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ये है आपका वी फॉर्म। ओके, जिसके अंदर ये आपका स्विचिंग स्टेट है। स्विचिंग स्टेट का मीनिंग क्या आया था कि जब आपका स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जब स्विच ऑन होगा तो आपका इंडक्टर क्या होता था, चार्ज होता था। ओके, इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट इंक्रीमेंट मोड में आपका आ रहा है। ओके, अगर आप इनिशियल लेवल पे ड्रॉ करना चाहते हो तो जीरो से ड्रॉ कर सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, आप जीरो से ड्रॉ करोगे तो भी आपकी सर्किट टाइट ही होगी, क्योंकि आपका पहले तो इंडक्टर क्या है, ओके, जीरो ही है ना, उसमें कुछ एनर्जी तो है नहीं। अब स्विच जब ऑन होगा तो उस कंडीशन में जो भी आपका मेनली डायोड का करंट होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि डायोड तो ऑफ कंडीशन में, तो यहाँ पे आपको जीरो करंट मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और जो भी आपका इनपुट करंट होगा कि वो इस तरह होगा, ये आपको इस तरह क्यों दिख रहा है वो समझो। ओके, जो भी आपका करंट होना चाहिए वो तो कॉन्स्टेंट DC वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इंक्रीमेंट मोड में आ रहा है ना। ओके, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपका मेन सर्किट किसके अंदर है, यहाँ पे देखो ये मेनली इंडक्टर के साथ सीरीज में आपका वोल्टेज सोर्स है ना। ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी यहाँ से करंट फ्लो होगा वो तो आपका DC फ्लो होगा, लेकिन यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो होगा ओके, वो मेन सीरीज के अंदर आपका क्या हो जाएगा, इस सर्किट के अंदर से कन्वर्ट हो जाएगा, इंक्रीमेंट मोड में आपको मिलेगा। ओके, दिस वी फॉर्म इज ड्यू टू आवर इंडक्टर एलिमेंट। सॉरी, उसके बाद क्या है कि जब आपका क्या होगा, स्विच ऑफ कंडीशन में जाएगा तो क्या होगा कि मेनली इंडक्टर का जो भी मेनली स्टोरिंग एनर्जी होगा वो डिस्चार्ज किसके अंदर होगा, मेनली रेजिस्टिव लोड के अंदर होगा या मेन लोड के अंदर होगा, तो आपका करंट का वेवफॉर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, एज वेल एज जो वो ही करंट आपका किसके अंदर से फ्लो होगा, डाउट के अंदर से, तो आपका सेम करंट यहाँ पे आपको मिल रहा है ओके, डिक्रीमेंट फॉर्म में। और आपका इनपुट करंट तो क्या है, यहाँ पे जीरो है, क्योंकि आपका सोर्स तो डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि हमने स्विच ओपन कर दिया था। ओके, यहाँ पे स्विच आप ओपन होने का देख सकते हो। ओके, और उसके बाद जो भी आपका सर्किट होगा ओके, वो रिपीट होता जाएगा, तो वेवफॉर्म आपके आगे के क्या होंगे, मेनली वैसे ही आपके कॉन्स्टेंट वेवफॉर्म आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि जो भी आपका वोल्टेज होगा वो आपका इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो कैसे आप डिसाइड करोगे, वो कैसे आप कंट्रोल करवाओगे। तो बक कन्वर्टर का जो भी आपका मेनली V0 यानी कि वो आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज एंड ड्यूटी रेशियो का मेन जो भी इक्वेशन है वो ये है, V0 अपन V इज इक्वल टू D। ओके, अब अगर आप V0 को प्रोडक्ट टर्म बनाते हो तो क्या आएगा, V0 इज इक्वल टू D इंटू Vin। ओके, सो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कंसिडर कर लो कि 230 वोल्टेज है,
मेनली इनपुट वोल्टेज क्या है, 230 वोल्टेज है। ड्यूटी रेशियो कितना है, 0.3, हमने पहले क्या लिया है, कम लिया है। ओके, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, ओके, वो क्या होगा इनडायरेक्टली, मेनली वी जीरो इज इक्वल टू डी इंटू वी इन था, तो डी क्या है 0.3, वी इन क्या है 230, तो आपको वोल्टेज कितना मिला 69। ओके, दूसरी कंडीशन देखते हैं। ओके, इफ वी इन इज इक्वल टू 230, ओके, एंड डी इज इक्वल टू 0.7, यानी कि हमने एक जो भी ड्यूटी रेशियो था, ओके, वो 0.4 इंक्रीज कर दिया। ओके, तो उस कंडीशन में क्या मिला, वी जीरो इज इक्वल टू जो भी हम वैल्यू रखेंगे उसके बाद हमें वोल्टेज क्या मिला, 161 मिला। दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखते हो तो आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज जो भी है, ओके, वो आपका आउटपुट वोल्टेज से क्या है, इनपुट वोल्टेज है वो आपका आउटपुट वोल्टेज से क्या है, कम है ना, सॉरी ज्यादा है ना। यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज कितना है, 230 है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज उससे तो कम मिल रहा है, 69 161 मिल रहा है। ओके, तो वो तो काफी कम है। ओके, तो उसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हो कि जो भी आपका ये कन्वर्टर है वो स्टेप डाउन वोल्टेज कर रहा है, स्टेप अप वोल्टेज नहीं कर रहा, पता चला। अगर आप 0.9 भी रखोगे तो भी आपका 230 वोल्टेज से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस कन्वर्टर एज बक कन्वर्टर और स्टेप डाउन कन्वर्टर। थैंक यू सो मच।